आज हम बात करेंगे वेल्ड लाइन की। मोल्डेड पार्ट्स में वेल्ड लाइन क्यों आता है? देखिए, वेल्ड लाइन जो होता है उसकी डिफिनेशन हम बताते हैं। दो जगह से मेटल फ्लो होकर इंटरसेक्ट होता है तो एक लाइन क्रिएट होती है। कहने का मतलब है कि जब आप इंजेक्शन कर रहे होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग में जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो जो मटेरियल मशीन के नोजल से निकलता है और मोल्ड में जाता है, तब मोल्ड में का मोल्ड की डिज़ाइनिंग या प्रोडक्ट की डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो कि जो फ्लो होता है वो डिवाइड हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा फ्लो हो जाते हैं, यानी दो तरफ या दो तरफ से ज़्यादा की तरफ मेटल फ्लो करने लगता है और बाद में आकर के फिर वो इंटरसेक्ट करता है। तब एक वहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक लाइन क्रिएट हो जाती है, उसी लाइन को हम वेल्ड लाइन कहते हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों आता है? क्योंकि जब प्लेन पार्ट में कहीं कोई रिप्स या गसेट्स या कोई बॉस ऐसा कुछ होता है बीच में, तो मेटल को डिवाइड होना पड़ता है, उसकी फ्लो को डिवाइड होना पड़ता है और फिर बाद में ये दोनों फ्लो आपस में मिल जाते हैं, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, और यहीं पर वेल्ड लाइन क्रिएट हो जाती है। अब वेल्ड लाइन क्रिएट तो होती है, लेकिन उसमें दो केस बनते हैं। पहला, कई बार मटेरियल की फ्लूडिटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है, और दूसरा यहाँ पे है एयर ट्रैप, यानी एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लो सही से नहीं हो पाता है मटेरियल का। तो पहले हम केस टू के बारे में जानते हैं, यानी कि लो फ्लूडिटी जब होती है तब क्या क्या करना चाहिए हमें, किस तरह से हम वेल्ड लाइन जो क्रिएट हो चुकी है उसको हम कम करेंगे। तो देखते हैं, अगर आपके मेटल की फ्लूडिटी लो है तो आप सबसे पहले बैरल के टेम्परेचर को बढ़ा लीजिए, क्या होगा, फ्लूडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और फ्लूडिटी को मेंटेन करने के लिए आपको तुरंत उसके बाद मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ा लेना चाहिए। मोल्ड का टेम्परेचर आप कैसे बढ़ाएंगे? आप HRTC अगर लगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, MTC लगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या कूलिंग लाइन नॉर्मल है तो आप कोर और कैविटी के पानी की मात्रा को कम कर सकते हैं, ये मोल्ड की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। इसके बाद आप थोड़ा सा हल्का सा बैक प्रेशर बढ़ा लीजिए। बैक प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा पैकिंग भी अच्छी हो जाती है और मेटल का फ्लो सही हो जाता है। अगला पॉइंट है, आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा लीजिए और इंजेक्शन स्पीड को बढ़ा लीजिए। अब इतना करने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फ्लूडिटी अगर सही हो गई और फिर भी अगर आ रहा है वेल्ड लाइन, तो आपको इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहिए। अब ये पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल की इंजेक्शन स्पीड या इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाना है। ये आपको पार्ट देखना है कि किस पॉइंट पर वेल्ड लाइन क्रिएट हो रही है और वो पॉइंट कितनी दूर है पॉइंट ऑफ एंट्रेंस, जो कि गेट पॉइंट के पास होता है, तो वहाँ से कितनी दूर पर, उस हिसाब से आपको इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर को बढ़ा दीजिए ताकि फ्लो बना रहे। फ्लो बना रहेगा तो फ्लूडिटी लो नहीं होगी, और एक बार मेटल पैक होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा मेटल जो है वो उसका प्रेशर बना रहेगा और वेल्ड लाइन कवर हो जाएगी। अगली बात करते हैं प्लास्टिक के टाइप्स के ऊपर। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एमोरफस प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको RPM बढ़ा लेना चाहिए, और अगर आप क्रिस्टलाइन प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको RPM को घटा देना चाहिए। तो इस तरह से हम फ्लूडिटी को कवर कर लेते हैं और वेल्ड लाइन को हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगली प्रॉब्लम है, रीज़न जो है वो एयर ट्रैप है। एयर ट्रैप केस में हमें क्या करना है, एयर लाइन को क्लीन करिए। एयर लाइन को क्लीन करेंगे तो क्या होगा, एयर ट्रैप नहीं होगा। इसके बाद स्पीड और प्रेशर को घटा दीजिए। स्पीड प्रेशर घटाने से क्या होगा, स्पीड और प्रेशर को आप घटाएंगे तो जो एयर ट्रैप हो रही है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी मोल्ड के बाहर निकलने से, जिससे कि मेटेरियल ठीक से फ्लो करेगा। उसके बाद टनेज को घटाइए। टनेज घटाने से क्या होता है, टनेज जब आप घटा देंगे तो मोल्ड हल्का सा खुल जाएगा और एयर जो बन रही होगी अंदर वो बाहर निकल आएगी। ट्रांसफ़र पोजीशन बढ़ाइए। ट्रांसफ़र पोजीशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफ़र पोजीशन आप बढ़ाएंगे तो मटेरियल जो है वो
आंसर को जो है बढ़ाएंगे, जैसे कि 9 है आप इसको 10 कर देंगे, तो अगर ये ट्रैप हो रही है तो एयर को निकलने का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने आज वेल्ड लाइन की बात की। ये जो पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं बहुत ही बेस्ट तरीके हैं, और इनको अगर आप अपनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप वेल्ड लाइन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार हैं, और आप उसको 100% कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली ट्रबल शूटिंग लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई अगर ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मोल्डिंग में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।